सो जेंटलमैन रेडी एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर में हमारी सीरीज में पहला चैप्टर आता है कैन, उसके बाद सेकंड चैप्टर होता है मे। इसके पहले हम लोगों ने जो कैन चैप्टर पढ़ा था उसमें आप लोग भली भांति जान गए कि कैन का मतलब होता है सकना, राइट। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मे, और मे का मतलब भी होता है सकना। जैसे कैन का मतलब होता है सकना, वैसे मे का मतलब भी होता है सकना, पर कुछ ना कुछ फर्क तो होता है। जो मे होता है इसका यूज किया जाता है अनुमति के लिए, परमिशन लेने के लिए। मे इज यूज्ड फॉर परमिशन। जब भी किसी व्यक्ति से अनुमति लेनी होती है तो अनुमति लेने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, करेक्ट। आप लोग नीचे लिख लीजिए, मे इज यूज्ड फॉर परमिशन। मे का प्रयोग अनुमति के लिए किया जाता है, करेक्ट। अच्छा मानते, जब भी आप किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हो तो परमिशन लेने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? अनुमति लेने के लिए तो लोगों से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं ना, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, करेक्ट। जब भी किसी व्यक्ति से अनुमति लेना हो तो क्वेश्चन करना पड़ता है। मतलब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज हमारी लाइफ में यदि हम करते हैं तो वो सिर्फ क्वेश्चन निकालने में करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, करेक्ट। तो नीचे लिखो हिंदी में, क्या आप किसी काम को कर सकते हैं, देन क्वेश्चन मार्क, क्या को अंडरलाइन कर लीजिए, देन क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। अच्छा, जब हम लोग कैन चैप्टर में क्वेश्चन कर रहे थे तो सबसे पहले हम कैन बोल रहे थे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन पहले आ रहा था। अब जब हम लोग मे चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, करेक्ट। सबसे पहले मे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, then first of the main verb, then we have to use object, okay. then question mark, correct? Yes sir. अच्छा one thing, एक बात हो, यहाँ पर एक ही subject है जो सबसे ज़्यादा use होता है। कौन सा subject use होगा बताओ? I. I. क्यों? क्योंकि अनुमति हम लोग जब भी लेते हैं ना, तो किससे लेते हैं? सिर्फ स्वयं के लिए। जब भी किसी व्यक्ति से आप अनुमति मांगते हो तो स्वयं के लिए मांगते हो, राइट ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो अनुमति तो हमेशा खुद के लिए मांगी जाती है, किसी से भी मांगो। तो मे आई यहां सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यूज होता है आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये तो हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। बोलो मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम। कहीं भी जाने से पहले, एंटर होने से पहले आप हमेशा परमिशन लिया करो। इन चीजों को हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, करेक्ट। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे I sit here. Got it? अच्छा, अब एक बात है, जो अनुमति देने वाला व्यक्ति है ना, वो तो आपको अनुमति देने के लिए सिंपल सीधा सा सेंटेंस बना लेगा, यस यू मे कम इन। उसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला चलता है? हाँ तुम अंदर आ सकते हो, हाँ तुम बैठ सकते हो। अच्छा, एक बात और है, हम लोग जब किसी व्यक्ति से परमिशन लेते तो वहां हम लोग कैन क्यों नहीं लगाते, मे क्यों लगाते? क्योंकि कैन और मे में थोड़ा सा फर्क होता है। वो ये होता है कि कैन जो होता है वो हमेशा दोस्तों यारों के साथ, बराबरी वालों के साथ में यूज किया जाता है, वो एक रफ एंड टफ वर्ड हो गया, राइट। और हम लोग परमिशन किससे लेते हैं? जो हमसे बड़े होते हैं, तो हमें जिन बड़ों से परमिशन लेनी है उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, आदर पूर्वक बात करनी पड़ती है, सम्मान पूर्वक बात करनी पड़ती है, राइट। तो शब्दों से ही तो पता चलता है कि किसमें रिस्पेक्ट है और किसमें रिस्पेक्ट नहीं है ना। अगर अपन किसी बोला ए इधर आ जमरू, तो भाई लगता है कैसे बुला रहे हैं, ठीक है। और अगर यहां आइए तो शब्दों से पता चल जाता है किसमें रिस्पेक्ट है और किसमें रिस्पेक्ट नहीं है, गॉट इट। तो मे जो है ना, ये रिस्पेक्ट वाला वर्ड है, इसमें आदर और सम्मान का भाव होता है। इसलिए हम लोग जब भी किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो परमिशन लेने के लिए हम लोग वहां पर कैन ही लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, मैं। अच्छा, जो व्यक्ति हमें परमिशन दे रहा है वो तो हमसे बड़ा है, वो तो यहाँ पर कैन लगा के भी परमिशन दे सकता है और मे में भी परमिशन दे, तो वो तो सिर्फ यस और नो में भी परमिशन दे सकता है। आपने किसी से पूछा मे आई कम इन सर, सर क्या बोलेंगे, यस कम इन, हाँ आ जाइए, बोलो यस कम इन, यस कम इन, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, तो सामने वाला क्या आंसर देगा, यस प्लीज प्लीज, ऐसे आंसर्स होते हैं, यस प्लीज यस प्लीज, करेक्ट। अच्छा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ,
तो सामने वाला क्या बोलेगा? Yes, why not? Why not? Yes, why not? Yes, why not? Yes, please. Yes, please. Answer मैं तो कुछ भी बोल सकते हैं. राबिच? अच्छा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो आपने पहला सुना भी होगा. May I help you? Help you. May I help you? Help you. May I help you? May I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर उसको मदद की जरूरत होगी सामने वाले को तो बोल देगा yes please. Yes. और अगर मदद नहीं चाहिए होगी तो बोल देगा no thanks. No thanks. क्या बोल देंगे? No thanks. Touch? Yes. मदद चाहिए होगी तो yes please, नहीं चाहिए तो no thanks. अच्छा. इस चैप्टर में may I come in, may I sit here, may I help you, these are very common examples. ये इतने common examples हैं जो हर व्यक्ति को आते हैं, हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं. Got it? Yes, sir. अच्छा, अब one thing. इस चैप्टर में कुछ एडवांस इंग्लिश के ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे काम के हैं. देखो, आज तक हम लोग जब कभी किसी व्यक्ति का नाम पूछते तो हम लोग किसी का नाम कैसे पूछते थे? What's your name? छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी में सिखा दिया, what is your name, my name is Tinku, thank you, welcome. लेकिन अब हमारा लेवल थोड़ा बड़े हो गया भाई, कॉलेज वॉलेज अब मैं आ गया तो थोड़ा सा लेवल चेंज होना चाहिए. तो एक वर्ड होता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ये फॉरेनर्स यूज करते हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनके नाम पूछने का तरीका इस तरीके से होता है. मे आए, अच्छा जानना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जानना को इंग्लिश में बोलते हैं नो. नो नो भी सही है. मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, ये भी सही है, गलत नहीं है. बट इसकी जगह पे एक और वर्ड यूज होता है जो एडवांस इंग्लिश में चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें हम लोग बोलते हैं हैव. हैव का असली मतलब होता है लेना. मतलब क्या मैं ले सकता हूँ? बोलो मे आई हैव. मे आई हैव. क्या मैं ले सकता हूँ? मे आई हैव. मे आई हैव. योर नेम प्लीज. योर नेम प्लीज. अच्छी बात, किसी का भी नाम पूछो तो बिल्कुल ऐसे ही पूछना, मे आई हैव योर नेम प्लीज. मे आई हैव योर नेम प्लीज. अच्छा, ये जो सेंटेंस है इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, इसको बोलने का तरीका भी उतना बेहतर होना चाहिए. Excuse me, gentlemen. Excuse me, gentlemen. May I have your name, please? May I have your name, please? Start. तो सामने वाला अपना नाम बता देगा. Yes. Yes. My name is. भगवान दास तिवारी. भगवान दास तिवारी. Start. Yes. जो आपका नाम हो आप बता सकते हैं. अच्छा. ठीक उसी तरीके से कॉन्टेक्ट नंबर यदि किसी का पूछना है, क्या मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर जान सकता हूँ, तो कैसे पूछोगे? क्या मैं आपका पता जान सकता हूँ? ये तीन चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कैसे पूछोगे? May I have your name please? Contact number कैसे पूछोगे? May I have your contact number please? Address कैसे पूछोगे? May I have your address please? May I have your address please? Your address please. Got it? That's all. इस चैप्टर में इतना ही है. Thank you.